गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये हम लोगों का रीडिंग टाइम है और हम लोग भाषा संगम बुक से बड़ी ई की मात्रा पार्ट की रीडिंग करेंगे। तो आइए पेज नंबर 27 ओपन कीजिए। इसमें सबसे ऊपर लिखा है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब हम लोग जान चुके हैं कि बड़ी ई की मात्रा किसी भी वर्ण या अक्षर के सामने से लगता है। ओके, शुरू करें। ल प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ल में बड़ी ई। मैंने बड़ी ई बोला, बड़ी ई की मात्रा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। तो हमेशा मात्रा मात्रा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ल प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ली। ल में बड़ी ई, ली। था प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू था में बड़ी ई, थी। हा प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू हा में बड़ी ई, ही। पा प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू पा में बड़ी ई, पी। बा प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बा में बड़ी ई, बी। ओके, अब हम लोग ये पढ़ते हैं। ये किस चीज़ का चित्र है? मछली का। इसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं? मा छ ल में बड़ी ई, ली। मछली, मछली। ये कौन है? ये हाथी है। इसका कैसे स्पेलिंग लिखते हैं? हा, हा में आ, हा। था में बड़ी ई, थी। हा थी। त में छोटी ई, ति। त ल में बड़ी ई, ली। तितली। ये तितली का चित्र है ना, तितली। ये कौन है? ये सिपाही है जो हमारे देश की और हमारी रक्षा करते हैं। स में छोटी ई, सि। प में आ, पा। ह में बड़ी ई, ही। सिपाही। ये क्या है? टेस्टी होता है, फ्रूट है, फल है, पपीता। इसे कैसे लिखते हैं? प, प में बड़ी ई, पी। त में आ, ता। पपीता। ये क्या है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या है? चाबी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? चाबी। चाबी नहीं होता है, चाबी होती है। च में आ, चा। ब में बड़ी ई, बी। चाबी। ये कील है। इसे कैसे लिखते हैं? क में बड़ी ई, की। ल, कील। क में बड़ी ई, की। ल, कील। ये क्या है? ये नाशपाती है। न में आ, ना। श। प में आ, पा। त में बड़ी ई, ती। नाशपाती, नाशपाती। ये सबके घरों में रहता है और अपना घर खुद बनाता है जाले के द्वारा। ये कौन है? मकड़ी। म क ड में बड़ी ई, री। मकड़ी, मकड़ी। पेज नंबर 2828 ओपन करते हैं। इसमें इतने सारे शब्द दिए गए हैं जिसमें से कुछ शब्दों को मैं पढूंगी और वैसे ही आप लोगों को सारे शब्दों को
सारे शब्दों को पढ़ना है, ओके। एक एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तो आपको मात्रा समझ में आएगी और पढ़ने भी आएगा, ठीक है। मैं कुछ शब्दों को पढ़ देती हूँ, वैसे ही आप लोग पढ़ेंगे, ओके। न में बड़ी ई नी, ल में आ ला, नी ला नी ला। ब में बड़ी ई बी, स बीस। ब में बड़ी ई बी, स बीस। र में आ रा, न में बड़ी ई नी, रानी। र में आ रा, न में बड़ी ई नी, रानी। म में बड़ी ई मी, ठ में बड़ी ई ठी, मीठी। म में बड़ी ई मी, ठ में बड़ी ई ठी, मीठी। ल कड़, में बड़ी ईड़ी, लकड़ी। ल कड़, में बड़ी ई लकड़ी। फ क में बड़ी ई की, र फकीर। फ क में बड़ी ई की, र फकीर। म ह में बड़ी ई ही, न में आना, महीना महीना। ई म ल में बड़ी ई ली, इमली। इ म ल में बड़ी ई ली, इमली। प त में बड़ी ती, ल में बड़ी ई ली, पतीली पतीली। छ छ में छोटी ई छी, प क ल में बड़ी ई ली, छिपकली छिपकली। सबके घरों में मिलती है ये छिपकली, ओके। और इन सारे शब्दों को आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। अब ये पाठ का नाम है, क्या है? न में बड़ी ई नी, र में आ रा नीरा। क में बड़ी ई की, ब क र में बड़ी ई री, बकरी। नीरा की बकरी। न में बड़ी ई नी, र में आ नीरा। क में बड़ी ई की, ए क एक। ब क र में बड़ी ई री, बकरी। थ में बड़ी ई थी, नीरा की एक बकरी थी। ब क र में बड़ी ई री, बकरी। क में आ का, न में आ नाम नाम। र में आ रा, न में बड़ी ई नी रानी। थ में आ था, बकरी का नाम रानी था। देखिए जो भी वाक्य कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके बाद ये खड़ी पाई या पूर्ण विराम लगता है, क्यों? क्योंकि एक वाक्य आपका कंप्लीट हो गया, अब आप दूसरा वाक्य पढ़ रहे हैं, और जब दूसरा भी कंप्लीट हो गया तो भी ये पूर्ण विराम या खड़ी पाई लगता है। र में आ रा, न में बड़ी ई नी रानी। बड़ में बड़ी ईड़ी बड़ी। स में बड़ी ई सी, ध में बड़ी ई धी सीधी। डैश स में आ सा, ध में बड़ी ई धी साधी। ब क र में बड़ी ई री बकरी। थ में बड़ी ई थी रानी, बड़ी सीधी साधी बकरी थी। वह वह। ह र में बड़ी ई री हरी। डैश ह र में बड़ी ई री हरी। घ में आ घास घास। ख में आ खा, त में बड़ी ई ती खाती। थ में बड़ी ई थी खाती थी। वह हरी हरी घास खाती थी। न में बड़ी ई नी म नीम। क में बड़ी ई की ट ह। न में बड़ी नी टहनी। भ में बड़ी भी। ख
खा में आ खा तम बड़ी थी। नीम की टहनी भी खाती थी। पूर्ण विराम। खा में बड़ी खी रम्या रा खीरा व ककड़। में बड़ी इड़ी ककड़ी। भ में बड़ी भी। ख में आ खा त में बड़ी इती खाती। थ में बड़ी इथी खीरा व ककड़ी भी खाती थी। द में आ दा न में आ ना दाना। ख में आ खा कर खा कर। प में आ पा न में बड़ी नी पानी। प में बड़ी ई पी त में बड़ी इती पीती। थ में बड़ी थी दाना खाकर पानी पीती थी। ख में आ खा प में बड़ी ई पी कर पी कर। द में छोटी दी न दिन। भर भर इधर इधर डैश उधर उधर। टहल त में बड़ी ती टहलती। थ में बड़ी ई थी खा पी कर दिन भर इधर उधर टहलती थी। र में आ रा न में बड़ी नी रानी। ब क र में बड़ी ईरी बकरी। क में बड़ी की हर हर। ब में आ बात बात। न में छोटी ने। र में आ रा ल में बड़ी इली निराली। थ में बड़ी ई थी रानी बकरी की हर बात निराली थी। र में आ रा न में बड़ी इनी रानी। ब क र में बड़ी इड़ी बकरी। ब ड में बड़ी इड़ी बड़ी। स य में आ या न में बड़ी इनी सयानी। थ में बड़ी ई थी रानी बकरी बड़ी सयानी थी। सयानी मीन्स बुद्धिमान। न में बड़ी ई नी र में आ रा नीरा। र में आ रा न में बड़ी ई नी रानी। क में बड़ी ई की द में बड़ी दी। व में आ वा न में बड़ी ई नी दीवानी। थ में बड़ी ई थी नीरा रानी की दीवानी थी। न में बड़ी नी र में आ रा नीरा। अ प न में बड़ी ई नी अपनी। ब क र में बड़ी ई बकरी। स द में आ दा सदा। स में आ साथ साथ। र ख त में बड़ी ई ती रखती। थ में बड़ी ई थी नीरा अपनी बकरी सदा साथ रखती थी। इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। नीरा अब की एक बकरी थी। बकरी का नाम रानी था। रानी बड़ी सीधी साधी बकरी थी। वह हरी हरी घास खाती थी। नीम की टहनी भी खाती थी। खीरा व ककड़ी भी खाती थी। दाना खाकर पानी पीती थी। खा पीकर दिन भर इधर उधर टहलती थी। रानी बकरी की हर बात निराली थी। रानी बकरी बड़ी सयानी थी। नीरा रानी की दीवानी थी। नीरा अपनी बकरी सदा साथ रखती थी। इस पाठ को आप लोगों को बार बार पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है, ताकि आप लोग आ की मात्रा समझ गए, छोटी इक की मात्रा समझ गए, बड़ी ई की मात्रा समझ जाएंगे, तो बहुत कुछ पढ़ने आ जाएगा। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 29 ओपन करते हैं। यहाँ लिखा है चित्रों को पहचान कर इनके नाम पूरे कीजिए। ये किसका चित्र है? इमली का। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? ई म ल में बड़ी ई की मात्रा, इमली। ये क्या है? खीरा। ख में बड़ी ई खी र में आ रा खीरा।
इसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? तीर, तमे बड़ी तीर, तीर। ये एक पक्षी है, इसे चील कहते हैं, चमे बड़ी चील, चील। अब यहाँ खाली स्थानों में सही शब्द भरिए। अभी आप लोगों ने पाठ पढ़ा है ना, उसी पाठ पर आधारित ये खाली जगह है। इसमें आपके ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से सही शब्द चुनकर आपको इस खाली जगह को भरना है, ठीक है? तो नंबर क है, नीरा अपनी डैश साथ रखती थी। नीरा अपनी क्या साथ रखती थी? अपनी बकरी साथ रखती थी। तो इस बकरी को आपको यहाँ लिखना है। नंबर ख, वह हरी हरी घास डैश थी। वह हरी हरी घास क्या करती थी? हरी हरी घास खाती थी। यहाँ खाती छोटा ई की मात्रा और खाता और ये बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है? खाती बड़ी ई की मात्रा लिखनी है। नंबर ग, वह खीरा वह डैश खाती थी। हम लोगों ने पाठ में क्या पढ़ा है? वह खीरा और ककड़ी खाती थी। तो ककड़ी की स्पेलिंग ये ककड़ में छोटी की मात्रा गलत है, कीकड़ क में बड़ी की मात्रा, कड़ कीकड़ कुछ होता है कुछ नहीं होता है, तो ये क्या है? ककड़ में बड़ी की मात्रा डी ककड़ी। इस ककड़ी को आपको इस खाली जगह में भरना है, लिखना है। नंबर घ, नामे बड़ी नीरा, नीरा रानी की क्या थी? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? नीरा रानी की दीवानी थी। तो क्या ये दीवानी की स्पेलिंग सही है? बिल्कुल नहीं। दमे छोटी दे वा नी, ये गलत है। फिर दमे बड़ी दी वा, नमे बड़ी नी दीवानी, और ये दमे छोटी दे व में आ वा, नमे छोटी ने दे वा ने, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ये दीवानी। आपको यहाँ क्या लिखना है? दीवानी। अंग, रानी बड़ी डैश थी। रानी क्या थी? बड़ी, हम लोगों ने पढ़ा है रानी बड़ी सयानी थी। यहाँ ब्रैकेट में देखते हैं क्या क्या दिया है। स यम आया, न में छोटी ने स या ने, ये गलत है। स या नी, ये और एक ये शब्द है स में छोटी सी या नी सियानी, ये भी गलत है और सयाने भी गलत है। तो हमारा ये शब्द सही है सयानी, और इस सयानी को हमें यहाँ लिखना है। रानी बड़ी सयानी थी। ऑल ऑफ यू, आप लोगों को ये सारा कंप्लीट करके और बार बार रीडिंग करके अपनी मात्राओं को क्लियर करना है, ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।